It's her choice. 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 ओ, क्या हाल है आप सबका। तो मैं हूँ इस दुनिया का सबसे बर्बाद इंसान और आज हम बात करेंगे नेहा चूतिया के बारे में, जो अपने पास्ट में एक बॉलीवुड स्टार भी रह चुकी है लेकिन टैलेंट के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू होने के कारण मैडम बॉलीवुड में अपने झंडे नहीं गाड़ सकी। मैडम ने वो रामबाण उपाय भी प्रयोग किया था जो हर बॉलीवुड एक्ट्रेस अपने डूबते हुए करियर को बचाने के लिए करती है, लेकिन हमारी मैडम शायद ये भूल गई थी कि बस बिकिनी पहन लेने से कोई लड़की हॉट नहीं हो जाती, उसके लिए शक्ल भी हॉट होनी चाहिए। तो मैडम की करियर बचाने का ये लास्ट रामबाण उपाय का भी उनके शक्ल जैसा कचरा बन गया। फिर हमारी मैडम को एक बहुत ही लंबा रेस्ट मिलता है जिसके बाद हमारी मैडम डायरेक्ट रोडीज में दिखी एज अ गैंग लीडर। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब यार रोडीज की मैं बहुत ही ज्यादा इज्जत करता हूँ क्योंकि ये शो दुनिया का एक लौता ऐसा शो है जो इस धरती की सारे चूतियों को रोजगार दे सकता है, कोई भी टैलेंट ना होने के बाद भी उन्हें मालामाल कर सकता है। और इस शो की एक और खास बात ये है कि इस शो का हर एक चूतिया हकते मुत्ते धोते नहाते हर समय बस वुमेन इम्प्रूवमेंट की बातें करते हैं, और उसी परंपरा को बरकरार रखते हुए हमारी नेहा दीदी ने नेशनल टेलीविजन पर कतई हक दिया। जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी और साथ में पांच और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, पांच और को एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया, पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस, नोबडी गिव्स यू द फकिंग राइट लड़की एक के साथ मरवाए, पांच के साथ मरवाए या फिर पूरे देश के साथ मरवाए, इट्स हर चॉइस। अपनी नेहा दीदी भी जब पांच छह लौंडों के साथ पकड़ी जाती है तब हमारे ये भाई साहब भी यही कहते होंगे, लेकिन अगर कोई लड़की किसी के साथ रिलेशन में रहते हुए भी किसी और लौंडे के साथ मरवा रही है तो बहुत ही आसान शब्दों में उसे हमारे देश में रंडी कहा जाता है, और तुम जैसे इंग्लिश में गाली देने वाले लोग उसे प्रोस्टिट्यूट बुलाते हैं। एक तरफ से ये लोग लड़कियों को रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं और उसी बात को कंप्लीट करने में ये लोग लड़की के ऊपर ही तीन चार गालियां दे देते हैं। अब बिल्कुल ऐसा ही एक सीन शायद एक साल पहले हुआ था जहां एक लड़की ने चार लड़कों को थप्पड़ मार दिया था, तब देखने हमारी दीदी ने क्या रिएक्शन दिया था। जितने भी आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं उनको आपको पीटना पड़ा या मारना पड़ा? चारों को, एक भी नहीं, चार। सर चार नहीं है, बहुत है, चार वो है जिनको मैंने मारा है। तो किसने कुछ कहा था? हाँ कुछ ना मतलब होता है कि रिलेशनशिप में आप कुछ भी कर देते हो और कुछ भी बोल दोगे। कैसा लगा मारने के बाद, मजा आया था? हाँ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। मैडम अभी स्माइल कर रही है क्योंकि मैडम को ये अच्छा लगा कि एक लड़की जिसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे जिसमें से चार को इसने थप्पड़ मारा गलत बातें बोलने के लिए, अब इनकी माने तो एक लड़की एक लड़के को किसी भी रीजन के चलते उसे मार सकती है, लेकिन अगर एक लड़की किसी लड़के को चीट भी कर रही हो तब वो उसका चॉइस बन जाता है और वो लड़का उसे एक थप्पड़ भी नहीं मार सकता। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। अब इन मैडम के पास एक और टैलेंट भी है जिसके चलते हमारी मैडम किसी का कैरेक्टर ऐसे जज कर लेती है जैसे मानो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कुछ दिनों बाद यही बनने वाली हो। यहाँ पे जो आप AK-47 अपने हाथ पे टैटू करा के, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पर्सन यू आर। वाह क्या बेहतरीन लॉजिक दिया है मैडम ने। अगर किसी लौंडे के हाथ में AK-47 का टैटू है तो वो बंदा एक निहायती चूतिया और वायलेंस टाइप का है। उस हिसाब से हमारी मैडम ने भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें किया है जिसे देख के हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अफसोस हम ये बोल नहीं सकते क्योंकि अगर हमने ये बोला तो रफ्तार भाई हमारा गांड मार लेंगे। छोटे कपड़े नहीं छोटी तेरी सोच है, तू उनमें से है बेटा तो तू इस दुनिया पे बोझ है। और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो रोडीज वालों ने बकचोदी फैलाई है वो सारा का सारा स्क्रिप्टेड है, और इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ क्योंकि हिंदुस्तान के रियलिटी शोज में रियलिटी को छोड़कर बाकी सब कुछ दिखाया जाता है, लेकिन तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि ये लोग दिखा क्या रहे हैं। शो स्क्रिप्टेड है इसका मतलब ये नहीं बनता कि तुम कुछ भी बकचोदी पेल दोगे। अब यार मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन ये वाला टॉपिक कुछ ज्यादा ही वायरल चल रहा है तो ये टॉपिक मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया। इस उम्मीद में कि इस बहती हुई गटर में डुबकी लगाने से शायद थोड़े व्यूज और सब्सक्राइबर्स मेरे भी बढ़ जाएंगे। मैंने टाइटल और थंबनेल में कैरी को ऐड कर दिया है क्योंकि इससे ज्यादा व्यूज मिलते हैं, और इस बकचोदी को आसान शब्दों में क्लिक बेट कहा जाता है। तो खैर यार आज के लिए बस, उम्मीद तो यही है कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।